हम सब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को तो थोड़ा बहुत जानते हैं, पर बहुत ही कम लोगों को पता है कि अर्जुन के असल में चार पुत्र थे, श्रुतकीर्ति, इरावन, बब्रुवाहन और अभिमन्यु। श्रुतकीर्ति द्रौपदी और अर्जुन की संतान थे। महाभारत युद्ध के 18वें दिन श्रुतकीर्ति अश्वत्थामा के हाथों मारे गए थे। इरावन उलूपी और अर्जुन की संतान थे। उलूपी नागलोक की राजकुमारी थी। पांडवों के 12 वर्षों के अज्ञातवास के दौरान इरावन का जन्म हुआ था। बब्रुवाहन मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगदा और अर्जुन के पुत्र का नाम था। बब्रुवाहन ही अर्जुन का एकमात्र पुत्र था जो महाभारत युद्ध के बाद जीवित बचा था। बब्रुवाहन ने कभी भी अपने पिता अर्जुन को नहीं देखा था। युधिष्ठिर के अश्वमेघ यज्ञ के दौरान जब यज्ञ का घोड़ा मणिपुर राज्य पहुंचा तब बब्रुवाहन ने उस घोड़े को रोका, फलस्वरूप अर्जुन से युद्ध हुआ, उसमें अर्जुन की मृत्यु हो गई थी। तब चित्रांगदा ने एक मणि से अर्जुन को पुनर्जीवित किया था। अभिमन्यु कृष्ण की बहन सुभद्रा और अर्जुन के पुत्र का नाम था। अभिमन्यु को महाभारत युद्ध में एक बहुत महान योद्धा के रूप में जाना जाता है। महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के योगदान को अतुलनीय समझा गया था। अभिमन्यु को चक्रव्यूह तोड़ने का ज्ञान अपने पिता से अपनी माता सुभद्रा के गर्भ में ही प्राप्त हो गया था। जब अर्जुन युद्ध के लिए उपस्थित नहीं थे तब गुरु द्रोण द्वारा रचित चक्रव्यूह को तोड़ने में कोई भी पांडव योद्धा निपुण नहीं था। अभिमन्यु को भी चक्रव्यूह का अधूरा ही ज्ञान था। अपने पराक्रम की बदौलत ही अभिमन्यु चक्र को भेदता हुआ उसके 7 में से 6 द्वार भेद चुका था। अगर उस पर एक साथ अनेक योद्धा आक्रमण नहीं करते तो निश्चित ही अभिमन्यु चक्रव्यूह से बाहर भी निकल आता। किंतु महाभारत में बहुत सारे युद्ध नियमों का उल्लंघन हुआ था और एक युद्ध नियम के उल्लंघन का शिकार अभिमन्यु भी बना। अगर हम अभिमन्यु के चरित्र को ध्यान से देखें तो हमें समझ में आता है कि इतनी कम उम्र में भी अभिमन्यु इतना पराक्रमी योद्धा कैसे बन गया था, जिसने मरने से पहले बहुत सारे बलशाली योद्धाओं को युद्ध में पराजित किया था। इंसान को बहुत सारी चीजें प्रकृति से मूल रूप में भी मिलती हैं, जिसे हम खून या वंश से मिली हुई आदत, ताकत और व्यवहार के रूप में समझते हैं। क्योंकि अभिमन्यु के पिता अर्जुन थे तो बहुत सारे अर्जुन के गुण अभिमन्यु को अपने आप ही प्राप्त हुए थे। इन गुणों को परिष्कृत करने का काम माता पिता और गुरु पर ही निर्भर करता है। जिस तरह अर्जुन को अपने समस्त जीवन काल में बहुत सारे गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करने को मिला, उन गुरुओं ने अर्जुन को अनेक शस्त्र और अस्त्रों की शिक्षा दी, बहुत सारे युद्ध कौशल सिखाए, उसी तरह अभिमन्यु के जीवन काल में भी बहुत सारे महान गुरुओं का योगदान रहा था। अभिमन्यु के प्रथम गुरु उनके पिता अर्जुन ही थे। उनकी शिक्षा का प्रारंभ गर्भ में ही हो चुका था। अर्जुन ने न सिर्फ अभिमन्यु को चक्र भेदन का ज्ञान दिया था बल्कि उन्होंने अभिमन्यु को युद्ध में उपयोग होने वाले कवच को किस तरह से पहना जाता है उसका ज्ञान भी दिया था। कवच ही वह ढाल होती है जो असल में योद्धा को उसके ऊपर होने वाले वार से बचाती है। हर कवच की अपनी खासियत होती है। हम जानते हैं कि किस तरह कर्ण के कवच को इंद्र ने छल से प्राप्त किया था। उस कवच के होते हुए कर्ण वध लगभग असंभव था। हर कवच का अपना एक विज्ञान होता है। एक महान योद्धा के पास कवच को धारण करने का संपूर्ण ज्ञान भी होना चाहिए, जो अभिमन्यु को अपने पिता से मिला था। अपने बाकी 3 पुत्रों को अर्जुन से ऐसा कोई ज्ञान नहीं मिला था, क्योंकि अभिमन्यु का बाल्यकाल अपने ननिहाल में ही बीता था, जहां उन्हें बलराम जैसे महान गुरु से शिक्षा लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। बलराम अनेक शस्त्र अस्त्र विद्याओं में निपुण थे। उनका सबसे पसंदीदा अस्त्र गदा था। अभिमन्यु को गदा युद्ध का अद्भुत ज्ञान बलराम जी से ही प्राप्त हुआ था। अभिमन्यु के अतिरिक्त बलराम ने दुर्योधन को भी गदा युद्ध में निपुण किया था। फलस्वरूप शायद ही कोई योद्धा अभिमन्यु और दुर्योधन को गदा युद्ध में हरा सकता था। अभिमन्यु के धनुष का नाम रुद्र था। यह विलक्षण धनुष बलराम ने अभिमन्यु से प्रसन्न होकर उनको प्रदान किया था। अपनी माता के ननिहाल में अभिमन्यु को एक और गुरु प्राप्त हुए थे जिनका नाम प्रद्युम्न था। प्रद्युम्न श्री कृष्ण के पुत्र थे। अपने बाल्यकाल में अस्त्र ज्ञान उन्हें प्रद्युम्न से ही प्राप्त हुआ था। प्रद्युम्न को मायावी शक्तियों का भी ज्ञान था, किंतु उन्होंने अभिमन्यु को मायावी शक्तियां प्रदान नहीं की थी। प्रद्युम्न को कामदेव का अवतार भी समझा जाता है, क्योंकि अभिमन्यु का जीवन काल बहुत ही छोटा रहा था, फिर भी उन्हें अस्त्र और शस्त्र विद्या के अलावा जीवन का भी अद्भुत ज्ञान था। जिस प्रकार उन्होंने चक्रव्यूह का ज्ञान अपने गर्भ में ही प्राप्त कर लिया था, उससे पता चलता है कि इस महान योद्धा में किसी भी कला को सीखने की अद्भुत क्षमता थी। जीवन का अधिकतर ज्ञान अभिमन्यु को देवकी, सुभद्रा और रुक्मिणी से भी प्राप्त हुआ था। यह 3 भी अभिमन्यु की गुरु समझी जाती हैं। अभिमन्यु के जीवन में एक और अद्भुत गुरु था जिसे हम भगवान श्री कृष्ण के नाम से जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण को जीवन के प्रति अद्भुत समझ थी।
अच्छे और बुरे समय को जानकर उनके हिसाब से निर्णय लेने की शक्ति श्री कृष्ण में थी। जीवन में परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय करना हर किसी के बस की बात नहीं, फिर चाहे उसमें अपनी जान ही क्यों ना चली जाए। श्री कृष्ण ने अभिमन्यु में घटनाओं को भांपकर तुरंत सही निर्णय लेने की समझ विकसित की थी। इस धरती पर श्री कृष्ण का अवतरण धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। अभिमन्यु के अनीतिकर वध, जिसमें लगभग सभी कौरव योद्धा सम्मिलित थे, के कारण एक ऐसा रास्ता खुल गया जिसमें हर कौरव योद्धा जलकर भस्म हो गया। एक बालक को महान योद्धाओं ने एक साथ घेर कर मार डाला, उससे बड़ा अथर्व महाभारत युद्ध में कोई दूसरा नहीं समझा जाता। क्या आपको अभिमन्यु का छोटा सा जीवन काल और चरित्र प्रभावित करता है? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अपने विचार जरूर बताइए। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।